हेलो एवरीवन, माय सेल्फ लक्ष्मीचंद फ्रॉम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज की वीडियो जितनी बनाई थी उसमें आपका डिस्कस किया था इनडेफिनिट इंटीग्रल। तो सबसे पहले इसमें डेफिनिट इंटीग्रल में आपका जो हम इंटीग्रेशन जो इनडेफिनिट इंटीग्रल था उसमें हम प्लस सी जो इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट यूज़ करते थे वो आपका वो उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिया है कि कोई भी आपका ए टू बी एफ एक्स डी एक्स ये आपने इंटीग्रेट करना है। तो अब इसमें आपका जो ए है इसको हम जो है लोअर लिमिट और ये आपकी है अपर लिमिट। तो अब इसमें हमारा जो डेफिनेट इंटीग्रल है इसका सपोज करो एफ एक्स का मैंने इंटीग्रल जो है वो मान लिया कि वो कैपिटल एफ एक्स आता है, तो आपकी जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है वो आपका इस तरह से ए और बी। अब इसको मैं जब एक्सपेंड करूंगा तो हमारा ये क्या हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए, जो आपका इंटीग्रल आया उसमें हम एक्स की जगह पर आपका बी पुट करेंगे फिर माइनस ए पुट करेंगे। यदि मैं इसका ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन करता हूं तो आपका देखो क्या है इसमें, ये मेरा वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है और ये मैंने कोई भी फंक्शन एफ एक्स लिया हुआ है। अब इसमें मैंने यहां से अब इसको इंटीग्रेट करना, ये मैंने ए लिया है यहाँ पर और ये मैंने यहाँ पर बी लिया हुआ है, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। तो आपका जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो आपका क्या बताएगा, इसके जो अंडर कर्व के नीचे जो एरिया है वो इसको इंटीग्रेट करता है। यदि आपने एफ एक्स डी एक्स किया है तो इसका जो एफ एक्स का इंटीग्रेशन आपका मैंने जो कैपिटल एफ एक्स माना था ये था और एफ बी माइनस एफ ए, तो इस एरिया को ये इंटीग्रेट करेगा। तो ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रल में होगा। अब जैसे मैं एक इसमें एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मेरा कि ये फर्स्ट एग्जांपल है इसी को मैं लेता हूँ इसमें से, तो आपका फर्स्ट में इसको मैं लिखूँगा तो ये मेरा इंटीग्रेशन एक्स क्यूब और डीएक्स और ये आपका 0 to 3। तो अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स क्यूब का मेरा इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स फोर और अपॉन फोर और ये आपकी जो लिमिट्स हैं वो आपकी राइट साइड में आपका 0 और 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद मैं एक्स ये क्या पुट करूँगा 3, तो आपने यहाँ पर पुट किया ये 3 to the power 4 हो जाएगा और अपॉन 4 माइनस ये आपका 0 to the power 4 और अपॉन 4, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा और 3 to the power 4 आपका 81 upon 4, ये आपका इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट आपने देखो ये लिया हुआ है कि जो सेकंड क्वेश्चन है कि 0 to 1 1 upon 1 plus x square, तो अब मैंने यहाँ 0 to 1 और dx upon 1 plus x square root of this। अब देखो इसका जो आपका फॉर्मूला है a square plus x square root में, तो इसका हमारा आंसर क्या आता है log x plus root 1 plus x square, ये इसका इंटीग्रल है और ये आपकी जो लिमिट्स हैं 0 to 1 वो आपकी यहाँ आ जाएंगी। अब इसमें आप x से पहले 1 पुट करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू log आपका ये 1 plus root 1 plus 1 का square, तो 1 का square 1 होगा। अब माइनस log, अब आपने यहाँ 0 पुट किया 0 plus root 1 plus 0, अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो आपका ये 1 plus 1 over plus 1 to root 1 plus root 2 आ जाएगा, तो ये log 1 plus root 2 और ये 0 और ये आपका मतलब log आपका ये 0 और प्लस 1 तो log 1 आपका 0 होता है, तो ये आपका 0, तो ये आपका log 1 plus root 2, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आपका देखो ये मैंने यहां से नेक्स्ट लिया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 1 to 4, आपका इंटीग्रेट 1 to 4 एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 4 डी एक्स। अब सबसे पहले मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो अब देखो ये मेरा जो इंटीग्रेशन है ये आपका बाई पार्शियल फ्रैक्शन होगा,
क्योंकि ये आपका x प्लस वन एक्स प्लस फोर और ये x इधर की डिग्री कम है आपकी इधर, तो पहले मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन से स्प्लिट करता हूँ, तो ये आपका x अपॉन x प्लस वन एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस वन प्लस b अपॉन x प्लस फोर। अब इसमें आप इसको x में एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो आपका a x इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस फोर और प्लस b इंटू एक्स प्लस वन। अब मुझे a और b निकालना है, तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, आप वैसे इक्वेशन बना सकते हो यहाँ पर कि मेरा a प्लस बी और इंटू एक्स और प्लस फोर ए प्लस थ्री बी इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ से मैं देखता हूँ तो मेरा a प्लस बी जो है वो आपका वन है और 4a प्लस बी थ्री बी ये आपका जीरो है, इधर आपका x का कोएफिशिएंट। तो अब यहाँ से हम निकालेंगे, तो मैं आप इतना तक निकालोगे, उसके बाद मैंने आपको शॉर्टेज बताई थी कि इसमें पहले x इज इक्वल टू माइनस वन डालो, माइनस वन डालेंगे तो देखो आपका a इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस वन, ये लेफ्ट में हो गया। अब यहाँ मैंने माइनस वन डाला ये जीरो हो जाएगा, माइनस वन डालेंगे तो ये थ्री, तो वन अपॉन थ्री ये a की वैल्यू आएगी, और आपका जो b हो जाएगा b इज इक्वल टू, अब इसमें x इक्वल टू माइनस फोर डाल देंगे तो ये माइनस फोर हो गया लेफ्ट में, तो आपका और माइनस फोर डालेंगे ये जीरो और माइनस फोर डालेंगे तो ये माइनस थ्री, तो इसकी वैल्यू फोर अपॉन थ्री। तो अब देयर फोर इसको आप स्प्लिट करके क्या लिख सकते हो, मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू, ये लाइन आपने यहाँ लिखनी है। अब दिस इज इक्वल टू आपका वन टू फोर, अब a मैंने निकाला है आपका माइनस वन अपॉन थ्री, ये वन अपॉन थ्री डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, और इसका मैंने फोर अपॉन थ्री निकाला है प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन टू फोर फोर अपॉन थ्री डी एक्स अपॉन एक्स प्लस फोर। अब इसका जो इंटीग्रेशन है मैंने माइनस वन अपॉन थ्री को बाहर कर दिया, ये आपका लॉग एक्स प्लस वन और लिमिट्स आपकी वन टू फोर, और प्लस इसमें मैंने फोर अपॉन थ्री को बाहर कर दिया है, फोर अपॉन थ्री को बाहर कर दिया और लॉग एक्स प्लस फोर और लिमिट्स आपकी वन टू फोर। तो ये मैंने यहाँ पर, अब इसमें अपर लिमिट डालेंगे पहले, तो आपका देखो अपर लिमिट यहाँ क्या है, फोर है, फोर प्लस वन फाइव आपका लॉग, तो ये माइनस वन अपॉन थ्री बाहर लिखते हैं लॉग फाइव। अब माइनस इसको डालेंगे तो देखो आपका वन प्लस वन टू तो लॉग, ये आपका फर्स्ट पार्ट का है, और प्लस फोर अपॉन थ्री आपका बाहर है और यहां मैं फोर डालूंगा तो लॉग एट और माइनस लॉग फाइव। अब इसमें आप सिंपलीफाई करेंगे तो ये फोर अपॉन थ्री आपका इसके साथ है और ये वन अपॉन थ्री इसके साथ है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहां पर फाइव अपॉन टू लिख सकते हो, यहां एट अपॉन फाइव, इट मीन्स आपका, और मैं माइनस वन अपॉन थ्री लॉग इसको फाइव अपॉन टू और प्लस फोर अपॉन थ्री लॉग इसको एट अपॉन फाइव, लॉग एम माइनस लॉग एन लॉग एम अपॉन एन इस लॉग एम अपॉन एन इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका इसका आंसर है, वन अपॉन थ्री भी कॉमन निकालेंगे तो फर्दर और भी इसका सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। तो ये आपका बाई पार्ट्स, मतलब मेरा यहाँ पर है कि इंटीग्रेशन आप किसी भी मेथड से करेंगे और उसके बाद आप जो है उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये वैल्यू पुट करेंगे। अब इसका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आपका नेक्स्ट है कि जीरो टू टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर। अब ये देखो आपका स्पेशल टाइप में मैंने आपको फोर फॉर्मूला अप्लाइड मैथ वालों के लिए बताए थे, फोर फॉर्मूला स्टैंडर्ड मैथ के लिए आपके थ्री और बढ़ जाते हैं, मतलब है कि उनके नाइन फॉर्मूला हैं आपके जो है सिक्स फॉर्मूला हैं। तो अब ये जो मेरा जो फॉर्मूला था, सबसे पहले ये आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ दिस डी एक्स, ये फॉर्मूला मैंने उसमें इसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू ये आपका एक्स वाई टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई टू लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है इसका। अब देखो इसमें प्लस सी इंडेफिनिट होगा तो प्लस सी लगेगा, नहीं तो आपका नहीं, तो मैंने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर खाली।
अब मैंने ये देखो लिया है आपका, तो यहाँ पर मेरा जो x है वो तो आपका x है और a जो है मेरा वो 2 का स्क्वायर है। तो अब इंटीग्रेशन ऑफ आप यहाँ पर आपका 0 टू 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब मैंने ये 2 का स्क्वायर लिख दिया 4 को, dx इज इक्वल टू x मेरा x ही है तो ये x अपॉन 2 रूट आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस ए स्क्वायर आपका ए 2 है तो स्क्वायर आपका 4 अपॉन 2 लॉग एक्स आपका एक्स है प्लस ये आपका एक्स स्क्वायर अपॉन प्लस 4 और यहां पर आपकी ये लिमिट्स आ जाएंगी इसकी 0 टू 2। अब पहले हम एक्स जगह 2 पुट करेंगे तो इज इक्वल टू यहां मैंने 2 डाला तो 2 अपॉन 2 आपका 1 हो जाएगा। ये देखो यहां पर डालेंगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 रूट के अंदर ये आपका प्लस ये 4 अपॉन 2 2 हो गया और लॉग यहां पर आप पुट करेंगे तो ये आपका 2 और प्लस रूट 4 प्लस 4। अब माइनस 0 पुट करेंगे तो यहां पर आपने 0 डाला 0 अपॉन 2 और ये आपका 0 प्लस 4 प्लस 4 अपॉन 2 लॉग यहां पर आपका 0 प्लस रूट 4 ये आपका। अब इसको सिंपल करते हैं तो देखो 2 अपॉन 2 आपका 1 होता है, ये आपका रूट 8 हो गया और प्लस ये आपका रूट 8 2 प्लस रूट 8 तो 2 लॉग 2 प्लस रूट 8, रूट 8 को आप लिख सकते हो 2 रूट 2 भी, ये आपका 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा और ये माइनस क्योंकि ये माइनस लगा हुआ तो माइनस 2 और लॉग 2 ये आपका आंसर होगा। तो इसमें ये जो फॉर्मूला है एक और होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो उसमें आप क्या ध्यान रखोगे ये एक्स बाई 2 है, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ पर साइन वो माइनस हो जाता है ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला दो और फॉर्मूला है ये। अब मैं यहाँ पर एक बाई पार्ट्स का लेता हूँ, पार्सल का मैंने पहले कराया है अब बाई पार्ट्स का, तो योर नेक्स्ट एग्जाम्पल अब आपका है 0 to 1 एक्स ई एक्स डी एक्स। अब देखो ये मेरा बाई पार्ट होगा तो आपने फर्स्ट फंक्शन लिया आईलेट से, देखो ये एल्जेब्रिक है और ये आपका एक्सपोनेंशियल ये आपका सेकेंड है, तो आपका फर्स्ट फंक्शन आपने इसका इंटीग्रेशन लिखा आपका ई एक्स, इसको आप फिस माइनस डी फिस इससे आप देखो कर सकते हो, तो फर्स्ट फंक्शन लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड याद के लिए लिखा है वो। अब माइनस अब ये पार्ट देखो इंटीग्रेट हो गया तो लिमिट आप यहाँ डाल सकते हो इसकी 0 to 1 क्योंकि ये आपका इंटीग्रेट हो गया, अब दोबारा इंटीग्रेट नहीं होगा ये। अब माइनस अब इंटीग्रेशन आपका 0 to 1 फर्स्ट फंक्शन आपका इसका डेरिवेटिव होगा आपका 1 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आपका ई एक्स और डी एक्स और ये मेरा हो जाएगा यहाँ पर एक्स और ये ई एक्स 0 to 1 माइनस इसका इंटीग्रेशन आपका ई एक्स और 0 to 1। अब मैं इसमें दोनों में लिमिट डालूंगा, पहले अपर एक्स की 1 डाला 1 इंटू ई की पावर 1 माइनस 0 इंटू ई टू द पावर 0, अब ये माइनस अब ब्रैकेट के अंदर पहले ई टू द पावर 1 और माइनस ई टू द पावर 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये तो आपका ई हो जाएगा, ये आपका 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा माइनस ये आपका ई हो जाएगा और ये प्लस ये आपका 1 हो जाएगा, ई की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो ये आपका कैंसिल आउट मींस दैट विल बी इक्वल टू 1, तो इसका जो आंसर है आपका वो 1 होगा। अब इसमें देखो यहाँ पर अब मैंने जो लिया है ये आपका है बाई सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूशन में हम क्या करते हैं ये तो मैंने आपको डायरेक्ट लिए कोई मैंने आपको सब्सटीट्यूट नहीं किया था, इंटीग्रेशन जिस मेथड से हुआ था उस मेथड से इंटीग्रेट किया और अपर माइनस लोअर। अब देखो नेक्स्ट में मैंने क्या लिया है यहाँ पर, यहाँ मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ तो जब मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ तो वहाँ पर मुझे लिमिट भी चेंज करनी पड़ती है क्योंकि वहाँ मेरा वेरिएबल बदल जाता है, तो इसमें मैंने लिया है कि यहाँ पर माइनस 1 to 1 ये आपका एक्स स्क्वायर और रूट एक्स क्यू प्लस 1 डी एक्स। अब मैं यहाँ क्या करूँगा कि एक्स क्यू प्लस 1 को टी पुट करता हूँ, अब आपका है पुट एक्स क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव आपका 3x स्क्वायर 1 का 0 इज इक्वल टू dt और अपॉन dx, तो आपका x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt अपॉन 3, तो ये मैंने वैल्यू निकाल ली। अब मुझे यहाँ लिमिट चेंज करनी है क्योंकि मेरा वेरिएबल क्या बन गया t बन गया और ये लिमिट्स मेरी x के अकॉर्डिंग हैं,
तो अब मुझे यहाँ पर वेरिएबल को चेंज आपकी लिमिट्स को चेंज करना है। अब मैंने एक्स के माइनस वन डाला यहाँ पर, तो देखो माइनस वन का क्यूब जो होगा और प्लस वन, ये मेरा टी की वैल्यू निकल के आएगी। तो माइनस वन का क्यूब माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू टी, सो विच इंप्लाइज टी इज इक्वल टू जीरो। तो मेरी जो लोअर लिमिट है वो आपकी बन गई जीरो। अब मैं अपर डालूंगा वन, तो देखो वन का क्यूब और प्लस वन इज इक्वल टू टी, तो मेरा टी यहाँ पर मिल गया आपका टू। तो ये मेरी अपर लिमिट जो है वो आपकी टू हो जाएगी। अब एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो गया आपका डी टी अपॉन थ्री, तो मैंने वन अपॉन थ्री ये बाहर कर दिया है और इसको डी टी लिख दिया है, और ये रूट टी, रूट टी और डी टी। अब रूट टी का आपका हो जाएगा टी टू द पावर थ्री अपॉन टू और अपॉन थ्री और अपॉन ये टू आपका यहाँ आ जाएगा, और ये वन अपॉन थ्री आपका जो बाहर है ये वन अपॉन थ्री बाहर रहेगा, और लिमिट्स आपकी जीरो टू टू। अब लिमिट आपकी ये है, अब आपको पुट नहीं करना दोबारा टी की वैल्यू को, क्योंकि मैंने लिमिट ऑलरेडी पहले से चेंज कर ली है। तो ये टू अपॉन थ्री और ये आपका निकाल लेते हैं बाहर, तो ये टू अपॉन नाइन हो जाएगा। अब यहाँ मैं लिमिट डालता हूँ, पहले टू तो टू टू द पावर थ्री अपॉन टू माइनस जीरो टू द पावर टू अपॉन थ्री अपॉन टू, ये तो आपका जीरो हो जाएगा। अब देखो टू का क्यूब एंड रूट, तो इसका आपका क्या है टू रूट टू आ जाएगा ये, तो आपका टू इंटू टू रूट टू और अपॉन नाइन, तो ये आपका क्या आ जाएगा फोर रूट टू अपॉन नाइन। तो ये इसका, तो मतलब हम जहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं वहाँ पर आप जो है लिमिट भी चेंज करोगे, तो ये आपका यहाँ पर इसमें चेंज आएगा। अब मैं एक देखो एग्जांपल और लेता हूँ सेम इसी का। तो अब आपका देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसके लिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि मैंने एक्स प्लस फोर को टी पुट कर दिया, तो आपका डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ गया। अब मैं यहाँ पर लिमिट चेंज करूँगा, तो मैंने देखो x को यहाँ पर माइनस थ्री डाला पहले, तो माइनस थ्री प्लस फोर इज इक्वल टू टी, तो ये आपका आ जाएगा t इज इक्वल टू वन। और मैं यहाँ जीरो पुट करता हूँ, तो जीरो प्लस फोर इज इक्वल टू टी, तो t इज इक्वल टू आपका क्या आ गया फोर। तो आपकी जो लिमिट्स बन जाएंगी वो आपका लोअर लिमिट वन और अपर लिमिट आपकी फोर। अब मैंने इसको t पुट किया तो ये रूट टी हो जाएगा। अब x की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो देखो x क्या निकलेगा t माइनस फोर, तो यहाँ से आपका t माइनस फोर और ये आपका रूट टी और डी टी। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे पहले वन टू फोर, अब ये आपका t टू द पावर, ये वन पावर है वो हाफ पावर है, तो थ्री बाई टू पावर होगी इसकी, और माइनस फोर t टू द पावर हाफ और डी टी। अब इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा, तो इसको इंटीग्रेट किया तो ये इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन नहीं डालेंगे, अब इसको इंटीग्रेट किया तो ये टी टू द पावर फाइव बाई टू अपॉन फाइव अपॉन टू, और यहाँ पर किया माइनस फोर टी टू द पावर थ्री अपॉन टू और अपॉन थ्री इंटू टू, और लिमिट्स आपकी अब इधर आ जाएंगी वन टू फोर। अब पहले फोर पुट करेंगे, तो ये टू अपॉन फाइव को मैं यहाँ बाहर करता हूँ इसमें से, अब मैं पहले फोर पुट करता हूँ, तो टी टू द पावर फाइव सॉरी फोर टू द पावर, ये फोर है आपका, फोर टू द पावर फाइव अपॉन टू माइनस, अब मैं वन डालूंगा तो वन टू द पावर फाइव अपॉन टू, ये फर्स्ट की आपकी होगी। अब माइनस ये मैं एट अपॉन थ्री, यहां से इसे बाहर करता हूं फोर इंटू टू अपॉन एट, अब पहले अपर डालेंगे तो ये फोर टू द पावर थ्री अपॉन टू और माइनस वन टू द पावर थ्री अपॉन टू। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो फोर का पहले मैं रूट लूंगा टू आ जाएगा, और टू को फाइव टाइम मल्टीप्लाई करूंगा थर्टी टू आ जाएगा ये, तो टू अपॉन फाइव ये आपका थर्टी टू हो जाएगा माइनस, और ये मेरा वन रहेगा, और माइनस ये आपका एट अपॉन थ्री, ये आपका फोर का रूट टू आ जाएगा, टू का क्यूब एट और माइनस वन, तो ये आपका सेवन और ये आपका थर्टी वन, तो थर्टी वन और टू सिक्सटी टू अपॉन फाइव माइनस ये सेवन फिफ्टी सिक्स अपॉन थ्री। अब इनको एलसीएम लेके आप सॉल्व कर देंगे, दैट विल बी आंसर। तो ये हम जब पुट करते हैं तो वहाँ पर आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ती है। आप इसी तरह से आप नेक्स्ट डी एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स, और लिमिट्स आपकी हैं माइनस सॉरी ई टू ई स्क्वायर, ये आपकी लिमिट्स हैं यहाँ पर। अब मैं इसमें लॉग एक्स को जो है वो टी पुट करता हूँ, तो लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, तो आपका वन अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये इसका। अब मैं तो वन अपॉन एक्स डी एक्स ये मेरा डी टी हो जाएगा। अब लिमिट चेंज करते हैं, तो पहले मैंने लॉग ई
आपका ई पुट किया तो लॉग ई इक्वल टू टी और लॉग ई की वैल्यू होती है 1, तो टी इक्वल टू आपका 1 आ गया, तो लोअर लिमिट मेरी 1। अब दूसरा आपका लॉग ई स्क्वायर इक्वल टू टी और 2 पहले आ जाएगा 2 लॉग ई इक्वल टू टी, तो यहाँ लॉग ई 1 होता है तो ये आपकी अपर लिमिट आपकी 2 आ जाएगी और ये आपका डी टी अपॉन टी। अब डी टी अपॉन टी का लॉग टी और लिमिट्स आपकी 1 to 2। अब यहाँ पर हम इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो लॉग 2 माइनस लॉग 1। अब लॉग 1 जो होता है हमारा वो 0 होता है, इट मीन्स योर आंसर विल बी लॉग 2। तो ये आपका हम जब बाई सब्सटीट्यूशन, तो सब्सटीट्यूशन आपने किया है तो आपको लिमिट भी चेंज करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। इन नेक्स्ट वीडियो देन आई विल डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एंड अदर बोर्ड क्वेश्चंस। थैंक यू अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।